हेलो सेकेंड क्लास स्टूडेंट्स दिस इज़ योर ईवीएस वर्कबुक एंड इट्स पेज नंबर एटी फाइव पेज नंबर एटी फाइव चैप्टर नंबर नाइनटीन नेम ऑफ द चैप्टर इज़ टाइम डेज एंड मंथ्स वर्कशीट नंबर वन इट इज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट देन क्वेश्चन नंबर वन इज़ लिस्ट द एक्टिविटीज दैट यू डू इन मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग ओके मॉर्निंग में आप क्या क्या करते हो मॉर्निंग में क्या करते हैं उठते हैं ब्रश करते हैं गेट अपले इन द मॉर्निंग आफ्टर दैट आई ब्रश माय टीथ और उसके बाद टेकिंग बाथ गेट रेडी फॉर द स्कूल देन ब्रेकफास्ट देन गो टू स्कूल मॉर्निंग में ये काम होते हैं और स्कूल में आकर के मॉर्निंग में क्या होते हैं प्रेयर होती है प्रेयर के बाद आई मेट विध माई फ्रेंड्स आई विश माई टीचर आई विश माई एल्डर्स इस तरीके से आपको यहाँ फ़िलअप करना है आफ्टरनून में हम लंच करते हैं और वी केम बैक फ्राम द स्कूल स्कूल से हम वापस घर आ जाते हैं घर वापस आ कर के हम क्या करते हैं वी सबसे पहले तो होमवर्क करते होंगे आई थिंक होमवर्क के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते होंगे वी टेक रेस्ट और उसके बाद शाम नाइट नाइट को रात को हम डिनर करते हैं थोड़ी फैमिली के साथ गोशिप करते हैं आई थिंक थोड़ी देर थर्टी मिनट के लिए आप लोग टीवी भी देखते होंगे उसके बाद शाम को फिर से ब्रश करके हम सोने के लिए चले जाते हैं एक्टिविटीज़ आपकी बच्चों की अलग अलग हो सकती हैं मैंने कुछ एक एग्जांपल एक ही आपको दिए हैं वैसे आपको लिस्ट खुद बनानी है कि मॉर्निंग में आप क्या क्या काम करते हो आफ्टरनून में आप क्या क्या करते हो नोन या आफ्टरनून में उसके बाद नाइट की बात आप बच्चों को करनी है कि आप क्या क्या काम करते हैं पूरे दिन की एक लिस्ट बनानी हो है आपको और ये पेज जब मैं चेक करूंगी इट्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी कि आप क्या क्या करते हैं वर्कशीट नंबर टू है आइडेंटिफाई द मंथ फ्रॉम द क्लूज ओके क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन में आंसर के लिए क्लू भी है थोड़ा सा हिंट भी दिया गया है तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और फिर आंसर करेंगे द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कब होता है इंडिपेंडेंस डे फिफ्टींथ अगस्त को यहाँ लिखोगे अगस्त सिर्फ मंथ का नेम पूछा है डेट नहीं पूछी है तो हम अगस्त लिखेंगे द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन द इन दिस मंथ दिस इज जनवरी जनवरी में हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं बात आती है गांधी जयंती की गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड इन दिसंबर में आती है 25 December को. इट हैज्वेंटी एट डेज भाई अपना फैप ही है फेबर इसी में ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं द मंथ हैज फोर लेटर्स इन इट्स नेम वन सेकेंड दिस मंथ हैज़ फोर लेटर इनट्स नेम इट हैज़ थर्टी वन डेज थर्टी वन डेज और फोर ही लेटर आते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जुलाई आंसर रहेगा जुलाई थर्टी वन डेज दिस मंथ हैज़ थ्री लेटर्स इन एट्स नेम एंड इट हैज़ थ्री लेटर वाला मंथ मे और इसमें थर्टी वन डेज़ होते हैं दिस मंथ हैज़ फाइव लेटर नेम एंड थर्टी वन डेज ओके जनवरी फबररी मार्च एम ए आर सी एच हाँ एम ए आर सी एच फाइव लेटर्स योर बर्थडे फॉल्स इन दिस मंथ भाई मेरा तो आता है नवंबर में तो मैं तो लिखूँगी नवंबर में अब आप अपना अपना मंथ देख लो कौन कौन से मंथ में आपका बर्थडे आता है दिस ईयर दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ इस साल दिवाली अभी मैंने चेक नहीं किया लेकिन अक्टूबर या नवंबर दोनों में से कोई एक आंसर होगा या तो अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट डे ऑफ दिस ऑफ द ईयर फॉल इन दिस मंथ जनवरी जनवरी में फर्स्ट डे ऑफ द ईयर होता है इसमें बेटा या तो अक्टूबर आएगा या फिर नवंबर आएगा एक बार आप चेक कर लीजिएगा दिवाली का साल आगे चलें तो या एक बार इसे ही रिवाइज कर लेते हैं इंडिपेंडेंस डे बेटा एवरी ईयर फिफ्टीन अगस्त को पंद्रह अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है रिपब्लिक डे ट्वेंटी सिक्स जनवरी को जनवरी मंथ में होता है गांधी जयंती सेकेंड अक्टूबर को टू अक्टूबर अक्टूबर मंथ में वी सेलिब्रेट क्रिसमस क्रिसमस हमारी होती है दिसंबर में ट्वेंटी फाइव को एवरी ईयर दिस मंथ हैज ट्वेंटी एट डेज फेबर फेबर एक ऐसा मंथ है जिसमें ट्वेंटी एट डेज होते हैं और एवरी फोर ईयर के बाद उसमें ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं जिसे लीप ईयर कहा जाता है। दिस मंथ हैज फोर लेटर इन इट्स नेम एंड इट हैज थर्टी वन डेज आंसर रहेगा जुलाई द मंथ हैज थ्री लेटर नेम इट हैज थर्टी वन डेज थर्टी वन डेज वाला थ्री लेटर का मंथ है मे दिस मंथ हैज फाइव लेटर इन इट्स नेम फाइव लेटर वाला मंथ है और उसमें थर्टी वन डेज होते हैं आंसर रहेगा मार्च एम ए आर सी एच फाइव लेटर्स योर बर्थ डे आपका बर्थडे कौन से मंथ में होता है वो लिखना है और इस साल दिवाली कौन से मंथ में आ रही है वो उस मंथ का नेम लिखना है अक्टूबर uh, या नवम्बर में से कोई एक मंथ होगा और फर्स्ट डे ऑफ द ईयर फॉल्स इन दिस मंथ ईयर का फर्स्ट डे फर्स्ट जनवरी जनवरी मंथ में ही आता है वर्कशीट नंबर थ्री है टिक द करेक्ट ऑप्शन एक क्लॉक दी गई है उसमें थ्री हैंड्स है मिनट हैंड आवर हैंड सेकंड हैंड है और टाइम हुआ है टेन टेन दस बज के दस मिनट अगस्त मंथ इसमें दिया गया है और देखते हैं आप क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं विच ऑफ दिस विल टेल यू वैन योर बर्थडे फॉल इन द ईयर ओके हमें किससे पता चलेगा कि हमारा बर्थडे कब आएगा तो वो तो हमें पता चलेगा भाई कैलेंडर से घड़ी देख के तो पता नहीं चलेगा कैलेंडर देख के पता चलेगा तो हम लोग यहाँ पे कैलेंडर को बी ऑप्शन को टिक करेंगे

इन दिस ईयर अगर टीना जो है वो एक लीप ईयर में पैदा हुई है तो क्या खास बात होती है लीप ईयर की फेबररी है ट्वेंटी एट डेज फेबररी है ट्वेंटी नाइन डेज फेबर है थर्टी डेज थर्टी वन डेज नहीं भाई फरवरी है ट्वेंटी नाइन डेज लीप ईयर का मतलब है फेबररी में ट्वेंटी नाइन डेज डन इतना है आपकी वर्कबुक में इंटरेस्टिंग है काफ़ी अच्छा काफ़ी शॉर्ट में है और काफ़ी कुछ पूछा गया है इसमें बेटा अब ध्यान रखना नम नेम ऑफ डेज नेम ऑफ मंथ्स क्लॉक हैंड्स क्लॉक हैंड्स कैसे और क्लॉक में टाइम कैसे देखा जाता है कैसे उस टाइम को कहा जाता है ये सब बातें आनी चाहिए आपको कोई डाउट हो कुछ पूछना हो कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको रिलेटेड टू स्टडी यू कैन कॉल मी और यू कैन सेंड अ मैसेज कोई डाउट नहीं रखना है एवरी थिंग शुड बी क्लियर ओके बाय हैव अ गुड डे